झारखंड के उसरी नदी में पानी ऐसा बढ़ा कि एक ट्रैक्टर ड्राइवर वहीं फंस गया। पानी बढ़ने लगा, जिंदगी की उम्मीदें घटने लगी। हर तरफ पानी का शोर इतना ज्यादा कि कोई भी आवाज ना सुन पाए। नदी पर पानी का रौद रूप देखकर ड्राइवर बोनट पर जा बैठा, लेकिन जान बची तो कैसे बची? किसने पानी के इस गुस्से से ड्राइवर को बचाया? ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जो कि डराती है। तस्वीर देखिए किस तरह से इस ट्रैक्टर के बोनट पर ये ड्राइवर बैठ गया है, मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन पानी का शोर इतना ज्यादा है कि दूर दूर तक उसकी आवाज नहीं सुनी जा सकती। गिरिडीह की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसकी जान कैसे बची ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि ये कैसे फंस गया और किस तरह से इसकी जान मुश्किल में पड़ गई। तो नदी के गुस्से में ड्राइवर घंटों फंसा रहा। मामला झारखंड के गिरिडीह का है, जहां पानी गले तक आ पहुंचा, सांसें साथ छोड़ने लगी, लेकिन कहते हैं बचना है तो बचाने वाले आ ही जाते हैं। बाद में पोकलेन यानी भारी भरकम मशीन की मदद से इस ड्राइवर को बचाया जा सका। ये देखिए किस तरह से ये दूसरी गाड़ी वहां पर पहुंची जैसे तैसे, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। हालांकि ट्रैक्टर नदी में फंसा रहा, लहरें उसे बहाने पर तुली रही, लेकिन जैसे तैसे इस ड्राइवर की जान बच गई। यही पोकलेन मशीन आप देख सकते हैं, इसे अक्सर इस तरह के रेस्क्यू में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए कि ये ड्राइवर के लिए किस तरह से एक फरिश्ता बनकर आई और ड्राइवर की जान बच गई, क्योंकि धीरे धीरे पानी ऊपर आ रहा था, गले तक पानी पहुंच गया था, और ऐसे में अगर जल्द बाजी ना की जाती तो इस ड्राइवर की जान खतरे में थी। तो देश के कई हिस्सों में बारिश से बवाल मचा हुआ है। तेज बारिश में पेड़ गिर रहे हैं, कहीं सड़कों पर सैलाब आ गया है। बिहार, यूपी, एमपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मॉनसून आया तो कई शहरों में तबाही का ट्रेलर दिखने लगा। बर्बादी की ताजा तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं, जहां आसमान से आफत बरस रही है तो जमीन पर वही आफत कहर बनकर टूट रही है। आपको दिखाते हैं कैसे अलग अलग शहरों में इस बरसात ने अपना कहर बरपाया है। केवल 6 सेकंड में ये पेड़ धड़ाम हो गया। ये तस्वीरें यमुनानगर की है। मूसलाधार बारिश से ठीक पहले पूरी मजबूती से खड़ा था ये पेड़, लेकिन जब बरसात हुई तो इस विशाल पेड़ को जमीन पर आते देर नहीं लगी। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें डराने वाली हैं। जिस वक्त ये पेड़ धराशाही हुआ, उस वक्त सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही जारी थी, कुछ कारें और बाइक उसी दौरान गुजर रही थी, तभी पेड़ सड़क पर धड़ाम हो गया। पेड़ के नीचे कार दब गई, कई बाइक भी टहनियों के नीचे आ गई, लेकिन किस्मत अच्छी रही, किसी को चोट नहीं लगी। अब जरा इस तस्वीर पर नजर दौड़ाइए। रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं। बारिश की वजह से यहाँ भी एक पेड़ जमींदोज हो गया और इसकी चपेट में कार आ गई। सिवान के रहने वाले हार्डवेयर कारोबारी अपनी कार से गोपालगंज जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि वो भारी भरकम पेड़ की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पालघर में भी बारिश ने जिंदगी को बेहाल कर दिया है। पुल मानो झरना बन गया है। तेज बहाव पानी के साथ मिट्टी कटकर पुल के रास्ते नदी में गिरती जा रही है। इस तेज बहाव ने क्या हाल कर दिया है, आप इसे देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। नदी में जब बाढ़ के हालात हुए तो पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। इस पुल के दोनों किनारों पर लोग हालात सुधरने का इंतजार करते रहे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी ने इसे पार करने की हिम्मत नहीं की। जब उफनती नदी थोड़ी सुस्त हुई, तब जाकर बर्बादी का अंदाजा लगा। आज तक फिर तो देश के कुछ शहरों का हाल आपने देखा। हालात तो कई जगहों पर ऐसे हैं कि लोगों का जीना मुहाल है, सैलाब में जिंदगी फंसी हुई है। आपको दिखाते हैं कुछ उन्हीं शहरों का हाल। मूसलाधार बारिश का सबसे बड़ा असर महाराष्ट्र पर है। यहाँ शहर के शहर पानी से तरबतर हो रहे हैं। नासिक से जो तस्वीरें आई हैं, वो इस बात की तस्दीक करती हैं।
त्रिम्बकेश्वर मंदिर के इलाके में जो हाल हुआ उसे गौर से देखिए। शहर के बीचों बीच अचानक आई बाढ़ ने इलाके की शक्ल ही बदल दी। सड़कों पर सैलाब ने रफ्तार पकड़ ली। बंद दुकानों के बीच सड़क से जब तेज रफ्तार पानी गुजरा तो जान सुखाने वाला मंजर था। इस इलाके के अलग अलग हिस्से में खड़ी कई बाइक कारें सब जलमग्न होने लगी। मतलब ये कि यहाँ सड़कों पर 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया। अब असम के चिरांग जिले से आई तस्वीर देख लीजिए। यहाँ चंपामती नदी में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जा चुका है। हालात इतने खराब हैं कि कई गांव पानी में डूब चुके हैं। इसी बाढ़ के पानी में 39 लोग बीच मझधार में फंस गए, लेकिन सेना के जवानों की मुस्तैदी और दिलेरी की वजह से सभी बचा लिए गए। सभी को जवानों ने बाहर निकाल लिया। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं यूपी के लखीमपुर खीरी की, जहां शारदा नदी का जलस्तर डरा रहा है। शारदा नदी में उफान ने जिंदगी संकट में डाल दी है। दरअसल उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और लखीमपुर खीरी में भी मूसलाधार बरसात ने नदी में उफान ला दिया है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। आसपास के दर्जनों गांव में समंदर जैसे हालात हैं। लोगों का गुजर बसर करना भी मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने प्रभावित गांव को अलर्ट कर दिया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास भूस्खलन नासूर बन गया है। पहाड़ लगातार खिसक रहे हैं, पेड़ भी धराशायी हो रहे हैं, सड़कों पर मलबा जमा होने लगा है। आलम यह है कि 10 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोकना पड़ गया है ताकि किसी भी खतरे को टाला जा सके। बागेश्वर भी बारिश से बेहाल है। झमाझम बरसात अब मुसीबत बनकर टूटी है। आसमानी आफत ऐसी है कि अब पहाड़ बेजान से पड़ने लगे हैं। इसी वजह से कपकोट इलाके में सड़क पर पहाड़ी मलबा जमा हो गया। कई जगहों पर ऐसे हालात दिखे जहां प्रशासन मलबे को हटाने में जूझता रहा। आज तक ब्यूरो।